नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। खराब दिनचर्या और तनाव भरी जिंदगी आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में डाल देती है। आजकल तो कुछ बीमारियां बहुत आम हो चुकी हैं, जैसे डायबिटीज और हाई ब्लड शुगर। जो लोग इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, उनको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। डायबिटीज और ब्लड शुगर के मरीज को अपने स्वाद के साथ बहुत ज्यादा समझौता करना पड़ता है। उन्हें तेल मसाले और तली भुनी चीजों से दूरी बनानी पड़ती है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि डायबिटीज में हल्दी खाने से क्या होता है। अगर डायबिटीज के मरीज रोजाना दूध में हल्दी और काली मिर्च मिलाकर नाश्ते के वक्त पीते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। ब्लड शुगर बढ़ने के कारण हाई कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ऐसे में हल्दी के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण इसे कंट्रोल करने में मदद करेंगे। इसे खाने से माइग्रेन की समस्या से भी राहत मिलती है और इसका सेवन पानी में मिलाकर भी कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के संक्रमण से बचाने में बहुत कारगर होती है। ये शरीर में होने वाली किसी भी सूजन को ठीक करने में हेल्पफुल होता है। हल्दी पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाने का काम करती है। ये कॉन्स्टिपेशन और पेट में दर्द में काफी आराम करती है। पीली हल्दी रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है। इसको चोट और मोच में लेप की तरह लगाया जाता है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द से भी राहत देती है। आपको बता दें कि हल्दी का एक औषधीय जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विभिन्न जैव सक्रिय यौगिकों का मिश्रण मिलता है, जो शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगर आपको डायबिटीज या ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की परेशानी है, तो ऐसे में आप खाली पेट पानी में हल्दी मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।